वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आ गई हूँ एक छोटे से न्यू ब्लॉग के साथ, तो ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। और आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बनाना फेशियल। तो बनाना फेशियल करना फ्रेंड बहुत ही आसान होता है और आप बहुत ही सरल तरीके से फटाफट बनाना फेशियल आप कर सकती हैं। और बनाना फेशियल करने से फ्रेंड हमारे चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार और ग्लो आता है। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि बनाना फेशियल कैसे किया जाता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए हम लोगों को बनाना फेशियल करने के लिए। तो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने ब्लॉग में फ्रेंड। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, आइए अभी शुरू करते हैं कि बनाना फेशियल कैसे किया जाता है और बिल्कुल झटपट आराम से और आसान तरीके से हम बनाना फेशियल कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आइए अभी शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बनाना फेशियल के लिए मैंने क्या लिया है। मैंने यहाँ पर एलोवेरा लिया है और आधा मेरा यहाँ पर बनाना कटा हुआ है, तो एलोवेरा है और बनाना है। तो इसे हम ऐसे छील लेंगे और जो इसका छिलका है फ्रेंड उसको फेंकेंगे नहीं, उसको हम अभी रखेंगे साइड में। और ऐसे करके मैंने जितना मुझे अपने फेस के लिए चाहिए उतना मैंने यहाँ पर रख ली हूँ। और ये जो है एलोवेरा, उसको यहाँ से मैं बीच से किसी चाकू से या चम्मच से इजीली ये फट जाता है, साफ़ हो जाता है। जो एलोवेरा का जेल होता है उसको हम ऐसे निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। अभी मेरे पास चाकू नहीं था तो मैं चम्मच से ही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा एलोवेरा जेल है उसको निकाल लेंगे और एलोवेरा का जो है वो पत्ती उसको भी हम फेंकेंगे नहीं। और यहाँ पर फ्रेंड जो एलोवेरा का छिलका है उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी साइड से रख लेंगे। और अब हम एक अच्छा सा बटर तैयार करेंगे और उसके लिए हमने लिया है शहद। तो थोड़ा सा हम इतनी मात्रा में शहद मिलाएंगे, आधा चम्मच के आसपास। और एक चम्मच फ्रेंड मिलाएंगे इसमें हम गुलाब जल, और एक चम्मच मिलाएंगे इसमें हम नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। और इन सबको हम चारों पांचों को आपस में मिला के हम अच्छा सा बटर तैयार कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर बटर तैयार है। अगर आप चाहती हैं तो आप मिक्सर में भी तैयार कर सकती हैं। और दूसरी साइड मैंने लिया है थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा बेसन। और जो हमारा एलोवेरा का छिलका है उसमें हम सूजी को और बेसन को लगाकर अपने चेहरे पे हम उस स्क्रब करेंगे और स्क्रब करेंगे। और इस तरीके से देखिए सूजी को बेसन को छिलके में, एलोवेरा के छिलके में लगा के और अच्छे से अपने पूरे फेस पे हम स्क्रब करेंगे। और स्क्रब करने से पहले फ्रेंड मैंने अपने चेहरे को क्लीन किया है। और आप कोई भी मेथड अपनाती हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो। तो यहाँ पर मैं नहा के अभी जस्ट आई थी तो मेरा फेस अभी क्लीन ही है। तो फिर क्लीन होने के बाद भी अभी स्क्रब करके अपने चेहरे को और अच्छे से जो इसके अंदर की गंदगी है उसको साफ़ करेंगे। और आप देखिए अभी मैं कैसे कर रही हूँ। अभी केले के छिलके, जो हमने केला का छिलका रखा हुआ है उस पर भी हम बेसन को और सूजी को लगा के अपने चेहरे को क्लीन करेंगे। और ऐसा करने से फ्रेंड क्या होता है कि जो धूल मिट्टी छिपा हुआ है हमारे फेस में और वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और हमारा चेहरा फेशियल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप स्क्रब करने के लिए फ्रेंड चावल का आटा भी ले सकती हैं और इससे भी काफ़ी अच्छा स्क्रब होता है।
और चावल का आटा और सूजी और बेसन, ये सब से हम अपने घर में ही स्क्रब अच्छा से कर सकते हैं। और आप अगर मार्केट वाला स्क्रब लगाना पसंद करती हैं तो आप मार्केट वाले स्क्रब से भी, जो हिमालय का आता है, आप उससे भी कर सकती हैं। और उसके बाद करीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब किया फ्रेंड, और मेरा चेहरा देखिए क्लीन हो गया। और फिर उसके बाद हम भीगे तौलिए से अपने चेहरे को अच्छा से क्लीन कर लेंगे, और जो उस पर लगा हुआ है इस स्क्रब का मटेरियल उसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और जो हमने बनाना पेस्ट बना के रखा हुआ है फेशियल पेस्ट, तो उसको अब अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। और देखिए फ्रेंड, फेशियल का जो स्टेप होता है उसको फॉलो करते हुए अब बनाना का जो पेस्ट है उसको हम अच्छे से लगाएंगे अपने फेस पे। और जो हमारे उंगलियों की गांठों पे जो काले धब्बे हो जाते हैं ज़्यादा वर्क करने से, तो उस पर भी हम इसी पेस्ट को लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और स्टेप बाय स्टेप जो फेशियल का स्टेप होता है उसको हम अपने फेस पे फॉलो करेंगे। और स्टेप ये होता है फ्रेंड कि हमें अपने फेस पे जब भी हम फेशियल कर रहे हैं तो उसके अपोजिट दिशा में हमको जो हमारा क्रीम है या जो हमने रेमेडी तैयार किया हुआ है उसको हम लगाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। नाकों के नीचे और आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल बन जाते हैं और नाक के पास जो काले काले से हो जाते हैं, तो अपने हाथों से हम कैंची बना के, और आप देखिए स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे फेस पे चलाना है और नाक पे ऐसे चलाना है। और ऐसे क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारे त्वचा का, हमारे फेस में जो हमारा रेमेडी है बनाया हुआ बनाना का, वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगा और हमारा त्वचा जो है वो, जो फेस का फेशियल है वो अच्छे से ग्लो करेगा और हमारी त्वचा है जो वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगी फ्रेंड। तो यही है स्टेप बाय स्टेप आप फेशियल का फॉलो करिए। और देखिए लास्ट में आपको अपने फेस को ऐसे थपकी देना है और जो डार्क जो हमारे फेस का, ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है वो चलने लगेगा और आपका फेस है जो वो काफ़ी ग्लो करने लगेगा। तो यही था फ्रेंड मेरा आज का बनाना फेशियल।
तो कैसा लगा आपको? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। और एक वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है फ्रेंड, और बहुत ही समय भी लगता है, तो आप लोग एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।